नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आपके स्क्रीन के सामने देखिए जो चार्ट ओपन हुआ है, ओपन है एसजेवीएन लिमिटेड का। टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। देखिए स्टॉक का प्राइस ईयर 2017 में यहाँ पे टॉप क्रिएट किया था। उसके बाद देखिए जब भी प्राइस इस ग्रीन लाइन को टेस्ट किया था, प्राइस को यहाँ पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला था। इसका मीनिंग था कि जो ग्रीन लाइन यहाँ पे जा रहा था, स्टॉक का प्राइस के लिए मल्टीयर का रेजिस्टेंस था। और जैसे ही स्टॉक का प्राइस यहाँ पे उसका मल्टीयर का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया 37 के आसपास, उसके बाद एक बड़ा सा अप ट्रेंड यहाँ पे एस्टैब्लिश किया था। जैसे कि हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए कि प्राइस का कैरेक्टर है, प्राइस हमेशा से स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस के बाद एक रेंज के अंदर खुद को रेस्ट कराता है, कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद नेक्स्ट अप मूवमेंट स्टार्ट कर लेता है। एग्जैक्टली देखिए इस दोनों ब्लू लाइन के अंदर स्टॉक का प्राइस यहां पे कंसोलिडेशन कर रहा है। उसके साथ जिस टाइप का स्ट्रक्चर शो करे, स्टॉक का प्राइस अगर सपोर्ट के आसपास आ जाएगा वहां पे एक लो रिस्क अपॉर्चुनिटी बन सकता है। जैसे कि देखिए आज जो है एसजेवीएन को लगभग 14,000 करोड़ का यहाँ पे प्रोजेक्ट मिला है इन मिजोरम, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहा है। और जो यहाँ पे इंस्टॉल कैपेसिटी है लगभग 2,400 मेगावाट का। और लगातार देखिए इस कंपनी को भी प्रोजेक्ट मिल रहा है और जिस टाइप का टेक्निकल सेटअप शो कर रहा है और जिस टाइप का मेगा अप ट्रेंड एस्टेब्लिश किया है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि फर्दर अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन हमेशा से कोशिश करना है मेजर सपोर्ट के आसपास एंट्री करने के लिए। अगर आप यहाँ पे स्टॉक का रेंज देखेंगे ना, अपर बाउंड्री बन रहा है 172 का, देखिए जो अपर लाइन बन रहा है 172 मेजर रेजिस्टेंस, और जो मेजर सपोर्ट बन रहा है 100 का। इन बिटवीन अगर एंट्री करेंगे हाई रिस्क बनेगा। रेजिस्टेंस के आसपास अगर कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट करेगा, मूवमेंट करेगा, नहीं तो मेजर सपोर्ट 100 के आसपास आएगा, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन इन बिटवीन अगर डेली टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक मेजर शॉर्ट टर्म का सपोर्ट बन रहा है, जो कि बन रहा है नियरली 130 के आसपास। अगर आगे आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म में स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 130 के आसपास आ जाएगा, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि प्राइस देखिए यहाँ पे एक अप ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा है और चैनल का अपर बाउंड्री से मल्टीपल टाइम देखिए सप्लाई मिला है और लोअर बाउंड्री से देखिए मल्टीपल टाइम डिमांड देखने को मिला है। तो स्टॉक का प्राइस के लिए अभी के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है 130 का और जो मेजर सपोर्ट बन रहा है 100 का, 130 के आसपास आ जाएगा प्राइस। यहाँ पे अगर इस लेवल को होल्ड करेगा तो बाउंस करेगा, आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस 172 को टेस्ट कर सकता है। ये तो हो गया पहला टारगेट। और सेकंड टारगेट मेजर करेंगे, देखिए लाइफ हाई के ऊपर कोई भी सप्लाई डिमांड लेवल अवेलेबल नहीं होता है और वहां पे टारगेट मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन। जो सेकंड टारगेट बनेगा 1.618 का फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल 214 का, उस हिसाब से आपका रिस्क रिवार्ड क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा। उसके साथ इस कंपनी को 14,000 करोड़ का एक मेगा प्रोजेक्ट मिला है इन मिजोरम, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट प्राइस के ऊपर आने वाले टाइम में आ सकता है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो FI देखिए शेयर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं 2.4%, और DI यहां पे शेयर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं 3.91%। तो FI और DI दोनों शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, टेक्निकल सेटअप बुलिश है, बस मेजर सपोर्ट के आसपास आपको कंसीडर करना चाहिए। मैं आशा करता हूं आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।